इटावा उपखंड क्षेत्र में इन दिनों खाद की किल्लत किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। किसान रोजाना खाद पाने के लिए दुकानों व मार्केटिंग संस्थानों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन खाद की आस लेकर आते हैं और निराश लौट जाते हैं। इटावा में 5 दिन बाद डीएपी खाद पहुंच रहा है और वह भी महज 260 कट्टे, जिसका कृषि अधिकारियों ने तीन तीन कट्टों का वितरण करवाया। इटावा क्षेत्र के डीएपी खाद की किल्लत के चलते किसानों को कालाबाजारी में खाद महंगे दामों पर खरीदने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मेरी निगरानी में अभी तीन तीन कट्टे वितरण किए जा रहे हैं किसानों को, जमाबंदी और आधार कार्ड। इटावा में आज 260 कट्टे आए डीएपी के 260 कट्टे आए थे आज आईपीएल के, और आगे भी जैसे मतलब डीएपी आएगा तो कृषि विभाग के निगरानी में कट्टों का डीएपी खाद का वितरण करवा दिया जाएगा। यूरिया की कोई किल्लत नहीं? यूरिया की किल्लत नहीं, यूरिया तो अभी खूब के बेसिस में